जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर फिजिक्स के यूनिट सेकंड के लेक्चर नंबर 5 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है हमें तीन कंडीशनों के अंदर। फर्स्ट कंडीशन ये दी गई है, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, भी निर्वात माध्यम हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है, भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। सेकंड कंडीशन है, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, भी संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, उस कंडीशन के अंदर क्या है, भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। और थर्ड कंडीशन है, जब प्लेटों के मध्य क्या है, भी आंशिक रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, उस कंडीशन के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। इन तीनों के बारे में हम क्या है, भी डिस्कस करते हैं। देखिएगा, अभी फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी भी अपनी, जब प्लेटों के मध्य निर्वात हो, इस कंडीशन के अंदर क्या है, भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। सेकंड कंडीशन है भी, जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, इस कंडीशन के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। और थर्ड कंडीशन है आपकी, जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, ठीक है, इन तीनों कंडीशनों के कारण क्या है, भी हमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं भी, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, भी निर्वात हो, उसके बाद में बाकी जो अपनी दो कंडीशन है, उसके बाद में क्या है, भी उन दोनों कंडीशनों के अंदर क्या है, भी चर्चा करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है भी, जब प्लेटों के मध्य क्या हो, भी निर्वात हो, इस कंडीशन के अंदर क्या है, भी हमारे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी। अब ये मान लीजिए भी, ये कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ये मान लीजिए एक प्लेट, ये मान लीजिए इस प्लेट पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये ग्राउंड किया गया है, यहाँ पे क्या है, इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे क्या है, भी माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, भी ए मान लो, ये क्या है, भी प्लेट का क्षेत्रफल है, ठीक है। इसके मध्य क्या है, भी निर्वात माध्यम है, ठीक है। तो यहाँ पे निर्वात माध्यम है, तो E0 से डिनोट करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वो क्या हो जाएगी, भी E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। भी यहाँ पे भी कई जगह सिग्मा फ्री से भी डिनोट कर देते हैं। भी यहाँ पे संधारित्र की प्लेटों के मध्य क्या है, भी ये आवेश क्या है, भी स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ठीक है। आवेश क्या है, भी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, भी गति करते हैं। तो यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व को क्या है, भी सिग्मा फ्री से भी क्या है, डिनोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिग्मा से डिनोट किया गया है, ठीक है। और एप्सिलॉन जीरो यहाँ पे क्या हो जाएगी, भी निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब देखिएगा भी उससे आगे, ये हो गया भी इस कंडीशन के अंदर क्या है, भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, उसके बारे में हमें क्या है, भी डिस्कस करना है। तो देखिएगा, दोनों प्लेटों के मध्य
प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ओनली क्या अभी निर्वात माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र और तो कोई कंसेप्ट आ ही नहीं रहा, तो दोनों प्लेटों के मध्य परिणाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भी आपकी 1 हो गई। अब देखिएगा भी उससे आगे यहां पे जो सिग्मा है वो क्या है भी आपका पृष्ठ आवेश घनत्व है। यहाँ पे जो सिग्मा दिया गया है वो आपका क्या है भी पृष्ठ आवेश घनत्व है। यदि मान लो कि अभी पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तथा उस पर आवेश Q है, यदि ये मान लो पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तथा पृष्ठ पर आवेश का मान Q है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है भी A है तथा पृष्ठ पर आवेश का मान क्या है भी Q है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा भी आपका सिग्मा इक्वल टू क्या, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा क्या कहलाती है भी पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये हो गया आपका, क्लियर है यहां तक? दोनों प्लेटों के मध्य परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है तथा उस पे आवेश का मान क्यू है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व, ये हो गया समीकरण 1 व 2 से यहाँ से क्या हो जाएगा बिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात माध्यम के अंदर E0, सिग्मा की वैल्यू क्या है भी क्यू, तो ए एप्सिलॉन 0। ये हो गई भी आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। E0 इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। ये चीज क्या है भी आपके निकल के सामने आ गई। यहां तक क्लियर है भी आपका? अब देखिएगा हमें निकालनी है भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है भी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू यहाँ पे क्या है भी आवेश है, वी क्या है भी प्लेटों के मध्य विभवांतर है, तो पहले प्लेटों के मध्य क्या है भी विभवांतर फाइंड करेंगे, तो वो क्या चीज प्राप्त होगी भी उसके बारे में अपने देखते हैं। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, वो क्या हो जाएगा भी आपका विभवांतर का सूत्र क्या होता है दोनों प्लेटों के मध्य V इक्वल टू ED होता है। ED यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, D क्या है भी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। ये डिस्टेंस मान लो क्या है भी आपकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भी D है। तो यहां से क्या है भी निर्वात माध्यम के अंदर निकाल रहे हैं, तो V0 से डिनोट कर दो, ये क्या है भी E0 और D डिनोट कर दिया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या भी E0 से डिनोट किया गया है, विभवांतर को क्या है भी निर्वात माध्यम में V0 से डिनोट कर दो, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है भी D है। तो यहां से V0 की वैल्यू क्या आ जाएगी भी आपकी E0 क्या है भी आपका क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। यही चीज है, यहां पे सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी थी, तो क्यू ए एप्सिलॉन 0 और डी। ये आगे भी क्वेश्चन नंबर आपकी 4 मान लो, क्लियर है यहां तक? अब दोनों प्लेटों के मध्य
दोनों के मध्य समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस कंडीशन के अंदर, जब प्लेटों के मध्य क्या है भी पूर्ण रूप से निर्वात माध्यम हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो वो देखिएगा भी C होता है, ये होता है भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V होता है, C जीरो निर्वात माध्यम के अंदर पुट कर दिया, Q तो अपना आवेश है ही, V जीरो डिनोट कर दिया, तो यहां से क्या चीज आ गया भी Q की वैल्यू Q हो गया, V जीरो की वैल्यू क्या है भी आपकी QD अपॉन A एप्सिलॉन जीरो, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, ऊपर की तरफ जाएगा A एप्सिलॉन जीरो अपॉन D, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया अभी C जीरो इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ अभी A एप्सिलॉन जीरो D क्या है अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है किस कंडीशन के अंदर, जब प्लेटों के मध्य क्या है भी निर्वात माध्यम हो, क्लियर है यहां तक आपका, ठीक है। अब यहाँ पे जो बोल सकते हैं जो समांतर प्लेट निर्वात माध्यम के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है भी, निर्वात माध्यम के अंदर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है भी आपकी, एक तो बोल सकते हैं भी प्लेटों के मध्य प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती, किसके प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है भी ए है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्वात माध्यम के अंदर प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, सेकंड कंडीशन के अंदर क्या होता है भी प्लेटों के मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, प्लेटों के मध्य की जो दूरी है उसके क्या होता है भी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो C0 समानुपाती 1 अपॉन D, ठीक है। ये हो गया अभी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जब प्लेटों के मध्य क्या हो भी निर्वात माध्यम हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या भी C0 इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D हो गया, क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन अपने पढ़ते हैं भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हो, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी वो देखते हैं भी, सेकंड क्या है भी आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस कंडीशन के अंदर, जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हो, संपूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हो, ठीक है। अब जब प्लेटों के मध्य क्या है भी संपूर्ण रूप से पराविद्युत माध्यम भरा हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या है भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो देखिएगा ये कोई आपकी क्या है भी संधारित्र हो गया,
जिसके एक प्लेट पे क्या है, भी धनात्मक चार्ज, दूसरी प्लेट पे क्या है, भी ऋणात्मक चार्ज, प्लस क्यू माइनस क्यू। और ये सिरा क्या कर दिया भी आपका, ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब धारिता ज्ञात करनी है जब प्लेटों के मध्य क्या भी संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो। ठीक है, जब निर्वात माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है भी, E0 होती है। ये तो हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है भी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है। ये चीज हमने पढ़ा था। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की ओर। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है अपना। अब क्या है भी, इसके मध्य क्या है भी संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो। यहां से ये लाइन दर्शाती है कि इसके अंदर क्या है भी संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भर दिया गया है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य। ठीक है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भी हमें पता है भी इन प्लेटों के मध्य क्या है भी जो पैराविद्युत माध्यम रखते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या होता है भी, पैराविद्युत इसके अंदर माध्यम रखा तो वहां पे जो क्या है भी अंदर वाले भी कोई ए ध्रुवीय अणु है तो वो ध्रुवीय अणु के अंदर चेंज हो जाता है। यदि ध्रुवीय अणु है तो वो और अधिक क्या हो जाता है भी, विस्थापित हो जाता है। और जो प्लेटों के मध्य क्या भी, इस प्लेट के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ क्या भी पॉजिटिव चार्ज आता है। वो कंसेप्ट क्या भी हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लेके है ना क्लियर किया था। तो यहां से जो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, शो नहीं कर रहे हैं, तो ईपी, और इसकी वैल्यू क्या होती है भी, सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन 0। यही थी भी पैराविद्युत माध्यम के अंदर जो पृष्ठ आवेश घनत्व और अपॉन एप्सिलॉन 0 भी। यहाँ पे जो सिंपल सा जो पैराविद्युत पदार्थ रखा था उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्या है अभी आपकी क्लियर है, बट पूर्ण रूप से भर दिया गया तो चार्ज का कुछ तो मतलब होएगा वहां पे। ठीक है, अब ये चीज आ गई भी आपके। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका। अब देखिएगा अभी एक चीज निकालते हैं भी, सबसे पहले उसको एक साइड में नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर देते हैं भी। प्लेटों के मध्य निर्वात माध्यम उस कंडीशन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी, E0 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 माना था। और उस कंडीशन के अंदर क्या है भी, जो सिग्मा था उसके ऊपर जो आवेश की मात्रा मानी थी वो क्या मानी थी भी, पृष्ठ आवेश क्या माना था भी, क्यू माना था। तो यहाँ पे सिग्मा केवल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 हमने क्या है भी फाइंड किया था। ठीक है, बाद में क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, V0 इक्वल टू सॉरी विभवांतर निकाला था, तो ये क्या प्राप्त हो गया था भी आपका, E0 QD अपॉन ए एप्सिलॉन 0। और बाद में क्या है भी, C0 निकाला था क्यू अपॉन V0, और ये चीज आपकी क्या फाइंड हुई थी भी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये चीज प्राप्त हुई थी जब निर्वात माध्यम के अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। ठीक है, ये चीज प्राप्त हुई थी अपनी। अब क्या है भी, थोड़ा सा इसको एक बार नोट कर लेते हैं भी, E0 क्या था भी अपना, Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 था, और V0 क्या था भी आपका, QD अपॉन ए एप्सिलॉन 0 था, और C0 क्या था भी आपका, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी था। ये चीज थी अपनी। अब क्या है भी, उसके बाद में क्या है भी, वहां पे डिस्कस करते हैं भी,
अब देखिएगा भी दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात माध्यम हो तो वहां पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी, निर्वात माध्यम हो तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी, E जीरो होगी। इसकी डायरेक्शन क्या है भी, इधर की तरफ है। अब जब इसके अंत्य के अभी जब पैराविद्युत माध्यम भर दिया गया है भी, पैराविद्युत माध्यम क्या है भी, पूर्ण रूप से इसके अंदर क्या है भी, फील कर दिया गया है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, पैराविद्युत विद्युत माध्यम में, पैराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, पैराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता वो क्या होगी भी, उसके बारे में अपने देखते हैं। पैराविद्युत माध्यम के अंदर जो अपने के अभी पीछे वाला जो रिजल्ट फाइंड किया था विद्युत विस्थापन के अंदर, इसका कंसेप्ट यूज किया था, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी भी, वहां पे इक्वल टू ई जीरो प्लस ईपी, ठीक है। ये चीज थी भी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वहां पे, बट यहाँ पे क्या भी दोनों की जो डायरेक्शन क्या है भी, एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या भी परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के अंदर तो कुछ ना कुछ चेंज ही आएगा भी, ये धनात्मक मान लो तो ये क्या हो जाएगी भी, ऋणात्मक हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन क्या है भी, एक दूसरे के अपोजिट है, तो इक्वल टू ई जीरो की वैल्यू क्या है भी आपकी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ईपी क्या है बी इसके अपोजिट है, तो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आगे भी पैराविद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, ठीक है, और पूर्ण रूप से क्या है भी, पैराविद्युत माध्यम इससे क्या है भी भरा हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा भी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये आ गई भी आपकी पैराविद्युत माध्यम के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब ये तो क्या आ गई भी, इक्वल टू क्या आ गया भी आपका, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये तो हो गई भी निर्वात माध्यम, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किस कंडीशन के अंदर होगी, जब क्या है भी पैराविद्युत माध्यम हो और उसके अंदर क्या है भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब क्या है भी पूर्ण रूप से भरा हुआ, पूर्ण रूप से भरा हुआ तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी, इसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब जो आगे देखिएगा भी, एक रिलेशन हमने पढ़ा था भी वहां पे पैराविद्युतांक का, वो क्या था अभी आपका, पैराविद्युतांक को क्या अभी अपने एप्सिलॉन आर से डिनोट करते थे, ये क्या होता अभी एप्सिलॉन अपॉन निर्वात की विद्युत, सॉरी माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो होता था, और ये किसके बराबर होता था अभी आपका, निर्वात में विद्युत क्षेत्र अपॉन माध्यम में विद्युत क्षेत्र। ये जो पहले वाले लेक्चर के अंदर ये रिलेशन हमने क्या है भी देखा था, यही था वो रिलेशन आपका। अब क्या है भी देखते हैं, अब क्या है भी एक रिलेशन ये प्राप्त हुआ था भी, इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो यहां से जो E की वैल्यू होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी, E0 अपॉन एप्सिलॉन आर, E0 अपॉन एप्सिलॉन आर वो क्या हो जाएगा भी आपका, E0 अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ई जीरो की वैल्यू क्या है भी आपकी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो,
तो क्यू अपॉन ई जीरो क्या है, विद्युत निर्वात माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ई जीरो क्या है, क्यू अपॉन ए एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्साइलन जीरो। तो यहां से क्या जाएगा भी आपका एप्साइलन जीरो से एप्साइलन जीरो क्या है भी कैंसिल, और क्यू अपॉन ए क्या होता है भी आपका क्यू अपॉन ए क्या था भी आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, यही होता है भी किस कंडीशन के अंदर, निर्वात माध्यम के अंदर लिया है ई जीरो तो यहां पे वही होगा सिग्मा अपॉन एप्साइलन आर, निर्वात माध्यम की बात चल रही है यहाँ पे ई जीरो के अंदर निर्वात माध्यम की ये कंडीशन है, तब सिग्मा से डिनोट किया है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एक ये रिलेशन फाइंड हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। अब जो अपना जो कंसेप्ट चल रहा था अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भी, ये होगी इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्साइलन जीरो मानना है, ठीक है। अब जो एक जो अपना कंसेप्ट चल रहा था भी इसके बारे में तो भी डिस्कस कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी भी ई, अब जो डिस्कस कर रहे हैं वो चीज अपने क्या कंसेप्टेड है भी, अपने निकाली समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या है भी संपूर्ण रूप से पैराविद्युत पदार्थ भरा हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा भी आपका उस रिलेशन का क्या भी काफी ज्यादा यूज है, जब क्या है भी जब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से क्या है भी पैराविद्युत माध्यम भरा हो, तो विभवांतर क्या हो जाएगा भी दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर V इक्वल टू क्या होता है भी ED होता है, पैराविद्युत माध्यम लिया है तो यहां से अपने क्या है भी V से ही डिनोट कर देते हैं, E क्या है भी आपका इससे लिख सकते हैं E जीरो अपॉन एप्साइलन आर डी, कहने का मतलब ये क्या हो गया भी दोनों समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, तो ये क्या हो गया भी पैराविद्युत माध्यम की दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, ई क्या है भी पैराविद्युत माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी क्या है भी पैराविद्युत माध्यम के दोनों पृष्ठों के बीच की दूरी, वो दूरी क्या है भी आपकी पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो दूरी क्या होगी भी आपकी डी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है भी अपने ये फॉर्मूले के अंदर निकाल दी, ये फॉर्मूला क्या है भी इसके इक्वल मानना है, ठीक है। और ये क्या हो गया भी पैराविद्युत माध्यम के अंदर क्या है भी विभवांतर है, तो यहां से ई जीरो अपॉन एप्सिलॉन आर डी हो गया, तो V इक्वल टू E जीरो की वैल्यू क्या आएगी भी आपकी, E जीरो क्या है भी आपका Q डी A एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर, ये ही हो जाएगा कि E जीरो की वैल्यू Q अपॉन A एप्साइलन जीरो D अपॉन एप्साइलन आर आ गया। अब क्या है भी उसके बाद में जो अपना देखते हैं दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर आ गया, अब क्या है भी अपना जो कंसेप्ट देखते हैं वो क्या निकालना है भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, फॉर्मूला क्या होता है भी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो यहां से C इक्वल टू क्यू वी क्या है भी आपका क्यू डी अपॉन ए एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर, और Q से Q क्या है भी कैंसिल, ये आ गया भी आपका ए एप्साइलन जीरो एप्साइलन आर अपॉन D, और A एप्साइलन जीरो D क्या होता है भी आपका C जीरो एप्साइलन आर, ये आगे भी समांतर प्लेट्स संधारित्र की धारिता क्या कंडीशन प्राप्त हुई है भी C इक्वल टू C जीरो
एप्सिलॉन आर। तो इस कंडीशन के अंदर बोल सकते हैं भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य संपूर्ण रूप से पैराविद्युत माध्यम भरा हो, तो उस कंडीशन के अंदर निर्वात माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता